हाँ जी नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। अभी गणपति उत्सव शुरू होने वाला है। एक प्रश्न मन में बार बार उठता है, ये मूर्ति विसर्जन क्यों? मूर्ति विसर्जन करना चाहिए नहीं करना चाहिए? और नहीं करना चाहिए तो क्यों करते हैं? करने से क्या नुकसान हो सकता है? और ये परंपरा आरंभ कहाँ से हुई? ये परंपराएं हमारे समाज में आई कैसी? आजकल तो देखिए हर जगह मूर्ति विसर्जन होती है। अभी गणपति में गणपति की मूर्ति विसर्जन, और फिर नवरात्र में दुर्गा जी का विसर्जन, कहीं कहीं सरस्वती की प्रतिमा बना के उनका भी विसर्जन। तो ये परंपरा जो है दरअसल आरंभ कहाँ से हुई और कैसे इसको हमने पूर्णतः आत्मसात कर लिया, और इसमें सही क्या है गलत क्या है? तो देखिए इसको थोड़ा सा धार्मिक भावना के साथ साथ वर्तमान परिदृश्य से जोड़ के देखिएगा। कथा ये कहती है कि गणेश चतुर्थी के दिन ही वेदव्यास जी ने महाभारत कहना शुरू किया, वाचन शुरू किया, उसको गणपति जी ने लिखना शुरू किया। और इसी दिन उनको उन्होंने आवाहित किया था, तो उनका आवाहन हुआ था, तो इसी दिन वो आए थे। और उसके बाद चूंकि उनसे प्रतिदिन काम ले रहे थे, लिखवा रहे थे, तो उनको अच्छे अच्छे व्यंजन जो उनको पसंद था वो खिलाए। अतिथि को क्या होता है, घर में मेहमान आते हैं तो पूछ लेते हैं ना, आपको क्या पसंद है, क्या क्या खाएंगे, आपके पसंद को बनवाते हैं। तो बस वैसे ही कथा ये कहती है कि बीच में फिर वो वेदव्यास जी अनवरत बोलते रहे और गणेश जी अनवरत लिखते रहे, और ऐसा करते करते वेदव्यास जी ने अपनी आंखें बंद कर ली और निरंतर वो बोलते रहे, निरंतर बोलते रहे। जब उनकी आंख खुली तो महाभारत लगभग समाप्त हो रहा था और तिथि थी चतुर्दशी। तो देखते क्या है कि गणेश जी के शरीर का तापमान बहुत बढ़ गया है। वैसे भी अगर आप रात्रि में निद्रा ना लें तो शरीर का तापमान बढ़ जाएगा, तो उनके शरीर का तापमान कुछ अधिक ही बढ़ गया था। तो उनके शरीर के तापमान को ठीक करने के लिए वेदव्यास जी ने उनको तालाब में, नदी में स्नान कराया या उनके ऊपर जल डाला। वहीं से ये परंपरा धीरे से आरंभ हुई, वहीं से भगवान जी को जल में डालने की परंपरा, ये आप कह सकते हैं महाभारत कालीन है। उसके पश्चात हम जब लौटते हैं और अभी आते हैं बाद में, ये और कहाँ से हमें इसका पुट मिलता है, तो पुट ये मिलता है कि लाल बाग के जो राजा हैं वो वास्तव में कार्तिकेय महाराज हैं, ठीक है ना। कार्तिकेय महाराज ने गणपति को बुलाया, भाई छोटे भाई हैं तो छोटे भाई को बुलाया और बोले कि अब जब तक तुम हो लाल बाग के राजा, तुम हो माने आप हो, आप ही लाल बाग के राजा हो, और लाल बाग के राजा मान के आपकी पूजा, आपकी आराधना, आपका मान सम्मान किया जाएगा। तो भाई आतिथ्य जो होता है कुछ दिन के लिए होता है, तो आतिथ्य ग्रहण किया चतुर्दशी से लेके और चतुर्थी से लेके चतुर्दशी तक। उसके पश्चात उनका विभाग है, उन्हें काम करना है, अग्रपूज्य है, हर जगह पूजन जहाँ भी आरंभ होगा उनको पहुँचना ही है। तो उसके पश्चात उन्होंने उनसे अनुमति ली कि अब मैं चलना चाहूँगा। तो वहाँ से क्या है सागर में, सागर में गए, क्योंकि रास्ते तो पहले सागर से हुआ करते थे, जल से हुआ करते थे, तो जल से वो धीरे से प्रस्थान किए। दूसरा, एक तो ये पॉइंट है, दूसरा विसर्जन जल में ही क्यों, विसर्जन जमीन के अंदर क्यों नहीं? हाँ, अब देखिए जल जो है सृष्टि का आदि और अंत है। सृष्टि के आदि में भी जल ही था, सृष्टि के अंत में जल ही बचेगा। जल साक्षात ब्रह्मा है, साक्षात नारायण है, नारायण भी जल में ही रहते हैं। तो ईश्वर का जो अंश है वो जल में तीव्र गति से प्रवाहित होता है। जो एनर्जी है, एनर्जी क्या होती है, जल में बहुत तीव्र गति से प्रवाहित होती है। इसीलिए आप देखिए आप स्टार्ट करते हैं तो पवित्र हुआ, पवित्र हुआ, या कुछ भी आप जल डाल के स्टार्ट करते हैं एनर्जी को कनेक्ट करने के लिए। तो हम जो परमात्मा को ले आते हैं, मूर्ति को ले आते हैं, उसमें हम स्थापित करते हैं, उनकी शक्तियों का आवाहन करते हैं, उसके पश्चात अब उस शक्ति का विसर्जन कहाँ करें, जमीन में आप नहीं कर सकते।
उस शक्ति का विसर्जन जल में किया जाता है, क्योंकि नारायण स्वतः जल में है, ब्रह्मा स्वतः जल में है और गणपति को जल का देवता कहा जाता है। तो इसलिए जो जल का देवता है उसको जल में ही विसर्जित कर दिया जाता है, ये कथा है। करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके पीछे मान्यताएं थोड़ी अलग अलग हैं। देखिए, अगर आप एक अपने घर में गणपति की स्थापना आपने कर रखी है तो बस धूमधाम से उत्सव मनाइए ना। आप अपने मंदिर प्रांगण में कान्हा जी का जन्मोत्सव मनाते हैं, हर वर्ष नए कान्हा जी लाते हैं क्या? उन्हीं कान्हा जी को सजाते संवारते हैं, जन्मोत्सव मनाते हैं, बाद में फिर रख के पूजन करते हैं। तो जो 3 दिन का, 1 दिन का, 7 दिन का, 9 दिन का या 10 दिन का जो विधान है, ये दरअसल एक परंपरा को ओढ़ लिया गया है। आजकल टेलीविजन हमें परंपराओं को बहुत ज़्यादा आत्मसात करने के लिए प्रेरित करता है। दूसरे के जो भी पूजा पद्धति है वह अट्रैक्टिव लगती है, टेलीविजन ऐसा बना के परोसता है। तो यहाँ पे महाराष्ट्र में तो ठीक था, वो परंपरा थी, उनके बड़े भाई ने बुलाया था तो लोगों ने परंपरा को आत्मसात किया। लेकिन अभी पूरे भारत में परंपरा चल पड़ी है, तो मैं आपसे यही कहूँगा, देखिए गणपति अग्रपूज्य हैं, गणपति विघ्नहर्ता हैं, सुखकर्ता हैं, अमंगल को नष्ट करने वाले हैं, मंगलदाता हैं। और उनको आप बुलाते हैं 1 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 7 दिन, 9 दिन, 10 दिन के बाद विसर्जित कर देते हैं। इसका मतलब है कि 365 डेज में सिर्फ आपको 10 दिन विघ्नहर्ता की आवश्यकता है, 10 दिन सुखकर्ता की आवश्यकता है, 10 दिन मंगलकर्ता की आवश्यकता है। शेष 355 डेज आपको मंगलकर्ता की आवश्यकता नहीं है, विघ्नहर्ता की आवश्यकता नहीं है। अब गणपत के साथ रिद्धि है, गणपत के साथ सिद्धि है, वो जहाँ जाएंगे बुद्धि साथ में रहेगी, लक्ष्मी जी साथ में रहेंगे। अब अगर आप 1 दिन में 3, 5, 7, 9, 10 दिन में विसर्जित कर देते हैं, इसका मतलब आप चाहते हैं कि आपके पास जो लक्ष्मी हो वो 365 दिन में से सिर्फ 10 दिन आपके पास रहें, शेष 355 दिन क्या दृढ़ नारायण बन के रहना है? आप चाहते हैं आपकी बुद्धि काम करना बंद कर दे? आप चाहते हैं आपके घर से रिद्धि सिद्धि पलायन कर जाए? अगर आप चाहते हैं कि ऐसा हो, तब तो आप ये परंपरा को आत्मसात करिए, परंपरा को उठिए। हम सब परंपरा में बहते जा रहे हैं, फैशन में बहते जा रहे हैं, परंपरा से ज़्यादा फैशन हो गया है। गणपति स्थापित करना, बड़े बड़े बोर्ड बनवाना, लोगों के बीच शो करना कि हाँ हम भी गणपति की स्थापना कर रहे हैं, बड़े बैंड वाजा के साथ उनको ले आना, फिर बैंड वाजा के साथ ले जाना, उसमें मदिरा पान करना, अश्लील नृत्य करना, अश्लील गाना चलाना, यहाँ तक होता है। तो एक जो फैशन है ना, उस फैशन से आप दूर आइए, आध्यात्मिकता की ओर लगिए। गणपति विसर्जन के देवता नहीं है, गणपति तो प्रथम पूज्य हैं, उनके तो श्री चरण घर में सदैव विद्यमान होना चाहिए। तो एक बार पुनः सोचिएगा विसर्जित करने के पहले, ले आने के पहले। आपके घर में जो गणपति है ना, दीपावली पे आप गणपति लाए थे, लक्ष्मी गणेश जी को लाए थे, उनको क्या करेंगे? आप एक नॉर्मल सी बात देखें, आप अपनी स्वतः अपनी मूर्ति बनवा लें और उस मूर्ति को फिर ले जाके 10 दिन बाद आप तालाब में फेंक के आइए ना, कैसा लगेगा आपको, कैसा फील होगा? आपका एक बड़ा सा होर्डिंग बनवा लीजिए, होर्डिंग फट जाए, होर्डिंग साइड में गिर जाए, उसके ऊपर लोग कचड़े फेंकें, कैसा फील होगा आपको? ये बात सोचिएगा। अब जैसा आपको फील होगा वैसे परमात्मा को फील होगा, क्योंकि जो आत्मा में है वही तो परमात्मा में है। यहाँ सूक्ष्म रूप में है, वहाँ बृहदाकार में है, भावनाएं तो वहाँ भी हैं, भावनाएं यहाँ भी हैं। इसलिए परमात्मा आपके जो घर में विद्यमान है उन्हीं परमात्मा की पूजा करिए। अगर लाना ही पड़ रहा है, मुश्किल ये है कि लाना ही पड़ रहा है, तो मिट्टी की मूर्ति लाइए, पत्थर की नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस की नहीं, क्योंकि वही मूर्ति नदी के किनारे पड़ती हैं, वहाँ पर कुत्ते जाके घूमते हैं, देश भर का कचरा मूर्ति के ऊपर। एक सप्ताह बाद, चतुर्दशी से 2-3 दिन बाद आप समुद्र किनारे जाइए, नदी किनारे जाइए, मूर्ति की दुर्दशा होती है उसको देख के आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ऐसा आप कैसे कर सकते हैं यार? प्रथम पूज्य हैं, उनकी ऐसी दुर्दशा आप कर सकते हैं? फिर अपने माता पिता के साथ आप क्या करेंगे? ये गलत परंपरा है, ये गलत विधान है। ये कुछ जगह का विधान था, महाराष्ट्र का स्पेशल कुछ क्षेत्रों में, वहाँ पे इस तरह का विधान था। और वो लोग स्टार्टिंग में मिट्टी की मूर्ति ही स्थापित करते थे, मिट्टी की मूर्ति जैसे जल में ले जाएंगे वो घुल जाएगी,
उसका अपमान नहीं होगा। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति आप लाते हैं या पत्थर की मूर्ति चीनी मिट्टी की लाते हैं, बाद में उसको आप घर से निकाल के नीम के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे रख देते हैं, वहाँ पे जंगली जानवर घूमते रहते हैं, कुत्ते घूमते रहते हैं, पंछियाँ वहाँ बैठ के गंदगी करती हैं, कैसा लगेगा आपको? तो उत्तिष्ठ जागृत, उठिए जागिए, धर्म अपना है, परंपराएं अपनी है। कहीं पे परेशानी आ गई थी तो उन परंपराओं को ठीक करना जिम्मेदारी भी अपनी है, क्योंकि आज अगर हम ठीक नहीं करेंगे तो कल बच्चे हमसे सवाल करेंगे, फिर बच्चों को जवाब देना मुश्किल हो पाएगा। तो ये मेरा छोटा सा अपना सोचना है कि अगर आप गणेश जी को विदा करते हैं तो रिद्धि सिद्धि भी चले जाएंगी, लक्ष्मी भी चले जाएंगी, विघ्नहर्ता चले जाएंगे, जो बुद्धि है बच्चों की वो चली जाएगी, कंसंट्रेशन चले जाएगा और मरकरी आपका कमजोर हो जाएगा ज्योतिष दृष्टिकोण से देखें तो। इसलिए इस बार स्थापना करने के पहले सोचिएगा अवश्य कैसे करें। आपके घर में गणपति जी हैं, उन्हीं के पूजन करिए, उन्हीं की आराधना करिए, क्योंकि वो 365 डेज के लिए हैं। तो चलिए अपना सुझाव अवश्य दीजिएगा, ये हमारा सोचना है, हमारा मानना है। जरूरी नहीं है कि आप हमारे मानने से मान जाएं, लेकिन अगर आपत्ति है तो कारण बताइएगा। कुछ नई चीज़ें अगर आपको ज्ञात हैं तो उसका कारण बताइएगा। चलिए आपके लिए ओम गम गणपतये नमः राधे।